नमस्कार, मैं रोहिता, एमवीटीवी के समाचार में आप सभी का स्वागत। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने में इस बार रिफंड रिजर्व करने के लिए अपना बैंक खाता प्री वैलिडेट होना जरूरी है। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया में इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार से रिफंड रिसीव करने के लिए आपका बैंक खाता प्री वैलिडेटेड होना जरूरी है। आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आपको किस खाते में रिफंड की रकम चाहिए। आप जिस खाते में रिफंड चाहते हैं, अगर वह प्री वैलिडेटेड नहीं है तो सबसे पहले यह काम करवाएं, क्योंकि अब ई रिफंड ही जारी किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। जिन नागरिकों ने अभी तक मतदान के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, उन्हें 30 जुलाई तक का मतदान दर्ज करने का एक और अवसर मिलेगा। आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2019 की तारीख के आधार पर मतदाता सूचियों के दूसरे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की घोषणा की है, जिसके तहत जिन नागरिकों ने अभी तक मतदान पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अपना मतदान दर्ज करने का एक और अवसर मिलेगा। इसलिए उन्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, ऐसा आह्वान ठाणे जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। नवी मुंबई में दही हंडी उत्सव के लिए बाल गोपाल का सराव शुरू हो गया है। 24 अगस्त को महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और युवा लोगों को आकर्षित करने वाले दही हंडी के त्योहार के सार्वभौमिक उत्सव की पृष्ठभूमि में यह देखा जाता है कि नवी मुंबई के दही हंडी उत्सव के लिए बाल गोपाल का सराव शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। महाराष्ट्र सरकार ने अभय योजना की मंजूरी दे दी है। यह योजना 21 जुलाई 2019 से लागू की जाएगी। सिडको की ओर से सिडको प्रशासक गांव और सरकारी नल जोड़नी धारकों के पानी के बिल माफ करके देरी से विलंबित भुगतान उभरने के लिए अभय योजना की महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह योजना 21 जुलाई 2019 से लागू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। अगले 15 दिन में SBI की IMPS सर्विस फ्री हो जाएगी। इस सर्विस से करोड़ों लोगों का फायदा होगा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए पैसे के लेन देन से जुड़ी सर्विस IMPS सर्विस को 1 अगस्त से बिल्कुल मुफ्त करने जा रहा है। यानी 15 दिन बाद SBI के ग्राहकों को IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर कोई पैसा नहीं देना होगा। अभी तक IMPS करने पर बैंक चार्ज लेता था, लेकिन अब 1 अगस्त से यह चार्ज नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। सभी एयरलाइन अक्टूबर से हवाई किराए में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे हवाई सफर करना महंगा हो सकता है। सभी एयरलाइन अक्टूबर से हवाई किराए में बढ़ोतरी कर सकती है, जिससे हवाई सफर करना महंगा हो सकता है। अगर आप आने वाले फेस्टिवल सीजन या अक्टूबर में हवाई सफर करने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी जरूर पढ़ ले। सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन पर कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद इस बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। यह बढ़ोतरी अगले महीने के फेस्टिवल सीजन तक की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमवीटीवी न्यूज। आज के समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।